Hej! Student हाँ sort of when we go to school, इतना मजा नहीं आता बल्कि हम अपने नेचर को एंजॉय करना चाहते हैं घर पर बैठना चाहते हैं तो वो सारी चीजें जो है हैं जब हमारे माइंड में रन करती हैं व्हाट वी वर फीलिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो सारी चीजें बड़ी ही ब्यूटीफुली विलियम ब्लेक ने यहां पर बताई है नाउ विलियम ब्लेक हैज यूज्ड बोथ द साइड्स यानी कि वो एक बॉय की तरफ से भी स्कूल बॉय की तरफ से भी उसकी फीलिंग्स डिस्क्राइब कर रहे हैं आल्सो वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कंपैरिजन करते हैं बिटवीन अ स्कूल बॉय एंड बर्ड इन केज बिटवीन अ स्कूल बॉय एंड नेचर देन जो भी यूथफुल डेज होते हैं उनको स्प्रिंग सीजन के साथ उन्होंने कंपेयर किया है सो so, फुली टेकिंग द्जाम्पल्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द नेचर यानी हमारे जो नेचर के पार्ट है उनको यूज करते हुए उन्होंने एक स्कूल बॉय के माइंड सेट एक स्कूल बॉय की फीलिंग्स उसके इमोशंस

Blake was born on 28 November 1757 and left the world on August 12 1827 वाज एन इंग्लिश पेंटर एंड अ प्रिंट मेकर तो वो एक बहुत ही फेमस पोइट रह चुके हैं ही वाज ऑल्सो अ पेंटर यानी कि ही यूज्ड टू मेक पेंटिंग्स एंड लार्जली अनरेकग्नाइज ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम ब्लेक इज नाउ कंसीडर्ड एज अ सेमिनल फिगर इन द हिस्ट्री ऑफ द पोइट्री एंड विजुअल आर्ट ऑफ द रोमांटिक एज अब जब उनके टाइम पे वो पोएम्स वगैरह लिखते थे ना वॉज नॉट दैट टू रेकग्नाइज यानी कि इतना ज्यादा फेमस नहीं थे लोग इनकी राइटिंग को इतना ज्यादा प्रेस नहीं करते थे बट ये yes, आज के टाइम पे अगर हम देखते हैं इनकी पोएट्रीज देर काइंड ऑफ सेमिनल फिगर सेमिनल फिगर का मतलब क्या होता है बहुत इंफ्लुएंशियल ऐसा कोई पर्सन जो कोई चेंज ला सकता है जो थोड़ा ऐसा पावर टाइप का लगता है उसमें कि नहीं दैट पर्सन कैन इन्फ्लुएंस हम थोड़े चेंजेस ला सकता है डेवलप कर सकता है चीजों को इस तरीके की उनकी पोएट्रीज कंसिडर की जाती है ना बट वेन हीज और वेन ही

बट नाउ इफ वी सी दिनारी जैसे ये पेंडेमिक का टाइम था स्कूल्स वो क्लोज नाउ दे आर क्लोज तो तब हमें धीरे धीरे यू नो रियलाइज हुआ कि नहीं वी मिस स्कूल्स राइट बट येस वेन वी आर काइंड ऑफ गोइंग टू स्कूल डेली वी समटाइम्स फील कि ये एक जो ट्रेडिशनल मेथड होता है कि आप स्कूल जाओगे देन वहाँ पे टीचर्स आएंगे आप प्रे करोगे टीचर आएगी बुक पढ़ेगी चली जाएगी आपको मारेगी चली जाएगी आपको चिल्लाएगी चली जाएगी पनिशमेंट देंगी डन ठीक है लंच होगा आप अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ी बहुत बात करोगे उसके बाद वैसी छुट्टी होगी घर जाओगे नेक्स्ट डे वही रूटीन तो एक जो एक रूटीन टाइप का नहीं बन जाता है वो एक चीज यहाँ पे बताइए कि एक ट्रेडिशनल वे जो होता है कि टीचर्स चिल्ला रही हैं स्ट्रिक्टली पढ़ा रही हैं बस वही चीजें अगर होती रहती तो बच्चे इंटरेस्ट खो देते हैं एंड दे आर काइंड ऑफ यू नो बोल सकते हैं कि उनके दिमाग में से चलता है कि जैसे कि एक बर्ड जो होती है इट इज मेंट टू फ्लाई राइट इट इज मेंट टू सिंग बट अगर उसको एक केज में बंद कर दो पिंजरे में बंद कर दो तो फिर जो वो करना चाहिए उसको वो नहीं कर पाएगी सिमिलरली जो बच्चे होते हैं उनके पास ये पूरा टाइम होता है या पूरी उनकी जो आ, बोल सकते हो जो एज होती है एक यंग एज होती है उसमें दे आर मेंट टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स उनको खेलना चाहिए उन्हें ऑब्वियसली एन्जॉय करना चाहिए लाइफ को पढ़ना भी है ऑब्वियसली बट सिर्फ एक ही चीज कराते रहोगे वो स्ट्रिक्टली बोरिंग वे में बिल्कुल आउट आउटडेटेड वे में आउट फैशन वे में अगर उनको यू you नो know, एक तरीके से वही 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 चीज़ें कराते रहो तो बहुत बोर हो जाते हैं बच्चे इंटरेस्ट लूज करते हैं और वही चीज हमें यहाँ पे बताई गई है कि सॉर्ट ऑफ पोएट जो है वो पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि द स्टूडेंट्स और द यंग चिल्ड्रन आर मेंट मेंल्सो टू एंजॉय देयर लाइफ तो इट शुड नॉट बी लाइक दे आर ओनली मेड टू स्टडी दैट टू इन अ बोरिंग और ट्रेडिशनल वे क्लियर तो अभी इतना थोड़ा बहुत तो समझ आ गया कि स्कूल बॉय बहुत ही अनहैप्पी है उसी के बारे में बात हो रही है बट एग्जैक्टली हाउ डू वी डील विद इट वो हम देखेंगे इन द वेरी फर्स्ट आंसर बट बिफोर दैट लेट्स जस्ट रीड अ पैराग्राफ विद सेज द स्कूल बॉय इन द पोम इज नॉट अ हैप्पी चाइल्ड तो इस पोम में एक बच्चा है स्कूल गोइंग बॉय एंड ही इज नॉट एट ऑल हैप्पी वो बहुत ज्यादा दुखी है वॉट मेक्स हेम अनहेप्पी तो हम जब पोअम पढ़ेंगे उसके बाद हमें ये पता करना है कि एग्जैक्टली क्या है जिसकी वजह से वो इतनी दुखी है या फिर वो इतना अनहैप्पी क्यों है Why does he compare himself to a a bird that lives in a cage? Then दीरे दीरे एक में हम कि जो ये बच्चा है वो अपने को एक बर्ड से कंपेयर करता है जो कि केज में जो कि पिंजरे में बंद है तो वो ऐसा क्यों करता है उसका आंसर भी हमको एट द एंड देना है और अ प्लांट दैट विदर्स वेन इट शुड ब्लॉसम नेक्स्ट कंपेरिजन होता है एक

वो ये बोलता है कि मुझे जब भी भी गर्मियों के टाइम पे सुबह सुबह उठना होता है मुझे बहुत पसंद है यानी कि समर है समर सीजन और जो सुबह होती है ऐसी किसी बिल्कुल अलग सी वॉर्म सी मॉर्निंग होती है राइट ना ज्यादा ठंड होती है ना बहुत ज्यादा ठंड तो होगी नहीं ऑब्वियसली ना ही बहुत ज्यादा गर्मी होती बहुत ही प्यारी सी शीतल सी ऐसा बोल सकते हो बहुत ही प्लेजेंट सा वेदर होता है तो उस वक्त सुबह सुबह उसको उठना बहुत ज्यादा पसंद है वेन द बर्ड सिंग ऑन एवरी ट्री और ऐसा लगता है कि जो बर्ड्स हैं वो हर पेड़ पे हर ट्री पे गाना गा रहे हैं

एंड द स्काई लॉ सिंग्स विद मी अब क्या एक बहुत ही बर्ड छोटी सी बर्ड होती है बहुत ब्यूटीफुल बर्ड होती है और ऐसा माना जाता है कि वो बहुत अच्छे से गाना गाती है उसके सॉन्ग बहुत ज्यादा फेमस होते हैं। तो यहाँ पे जो बच्चा है वो ऐसे बोल रहा है कि मुझे हमेशा समर सीजन की जो मॉर्निंग होती है द मॉर्निंग ऑफ द समर सीजन उस वक्त उठना मुझे बहुत पसंद है और ऐसा लगता है बाहर हर एक पेड़ पे हर एक ट्री पे एक बर्ड गाना गा रही है और बहुत दूर किसी हंसमैन के हॉर्न बजाने की आवाज आती है एंड द स्का विथ मी और ऐसा लगता

है एवरी समर मॉर्निंग में क्लियर ऑल राइट बट टू गो टू स्कूल इन समर मॉर्न ओ इट ड्राइव ऑल जॉय अवे अंडर अ क्रूअल आई आउट वॉन द लिल वन स्पेंड द डे इन साइंग एंड डिस्मे अब ये बच्चा बोलता है कि पर मुझे उस ही समर मॉर्निंग में जब स्कूल जाना होता है तो ये सोचकर जितना मैं खुश था प्रीवियस में जितना खुश था वो सारी खुशी उससे छिन जाती है यानी कि बच्चे का ये बोलना है कि जब मुझे नॉर्मली सुबह सुबह उठना पड़ता है किसी भी समर मॉर्निंग में तो मुझे बड़ा पसंद आता है उठना सुबह बर्ड्स की आवाज सुनना हंसमैन के हॉर्न की आवाज़ सुनना ऐसा लगता है स्काई और मैं एक साथ गाना गा रहे हैं बट जैसे ही मैं ये चीज रियलाइज करता हूँ कि मुझे सुबह इसीलिए उठना है क्योंकि मुझे स्कूल जाना है तो वो सारी चीज या फिर ये जो फीलिंग है कि मुझे स्कूल जाना है वो मेरी पूरी खुशी को छीन लेती है

वैसे ही एक स्ट्रिक्ट टीचर के अंडर में उसको पढ़ना पड़ेगा ये वो सोच के बहुत ज्यादा दुखी है द लिटिल वंस स्पेंड द डे और बाकी के भी बच्चे जैसे वो खुद अपने स्कूल में बैठा रहेगा ये बच्चा वैसे ही उसके जो बाकी भी फेलो मेट्स हैं या जो बाकी स्कूल बॉयज हैं या स्कूल गर्ल्स हैं वो भी अपना पूरा दिन स्कूल में ऐसे ही स्पेंड करने वाले हैं अंडर अ क्रूअल अल आउटवॉन इन साइंग एंड मतलब एक डिसअपॉइंटमेंट वाली सांस लेना यानी कि बिल्कुल ऐसे डिसअपॉइंटेड फील करना अच्छा ना लगना कंफर्ट नहीं फील करना और डिसमे

ट और ऐसे ही होता है बहुत बार कि कैसे बैठा होता है स्कूल बॉय ड्रुपिंग वे में ड्रुपिंग यानी अपना हेड डाउन करके बिल्कुल ही नॉर्मल वे में ऐसा जैसे कोई जान ही ना हो तो जब हम बहुत ज्यादा बोल सकते हैं सैड होते हैं या हमको इंटरेस्ट नहीं होता अपनी सराउंडिंग्स में ऐसा लगता है कि क्या करें कुछ होप नहीं है तो हम कैसे बैठ जाते ना बिल्कुल नाराज होकर ऐसे बिल्कुल ऐसे की कोई जान ही नहीं है और सर बिल्कुल नीचे छुका हुआ है उसी तरीके से पोस्टर को क्या कहा जाता है ड्रुपिंग सो वी कैन से बो डाउनवर्ड लिंपली लिप्पली यानी सोर्ट ऑफ कोई स्ट्रेंथ ही नहीं नहीं है आपके या कोई भी फी फील नहीं हो रहा है आपको नंब हो गई वो बॉडी इस तरीके के पोस्टर को कहते हैं ड्रूपे तो ये बहुत बार ऐसे बच्चा जो है ऐसे बैठा रहता है एंड स्पेंड मेनी एन एंशियस आर और एक बिल्कुल टेंशन में अनकंफर्टेबल वे में ईजनेस ईजनेस ना हो उस तरीके से अनईजी फील करते हुए ये घंटों बिता देता है ई टेक डिलइट और जब वो इस तरीके से बैठा है स्कूल में पढ़ाई कर रहा है तो उसको बुक में या फिर जो कुछ भी वो पढ़ रहा है उसमें बिल्कुल भी खुशी नहीं मिलती है नोर सिट इन लर्निंग बार अब बाबर क्या होता है कोई भी ऐसा यू नो क्लोज सा एरिया अब जैसे यहाँ बोला है लर्निंग बार यानी कि ऐसा कोई क्लोज्ड एरिया जहाँ पे पढ़ाई लिखाई होती हो तो कोई भी इंस्टीट्यूशन हो स्कूल हो कॉलेज हो जहाँ पे पढ़ाई होती है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कह सकते हो उसे कहा गया है लर्निंग बार तो अब यहाँ पर ये लर्निंग बार कौन सा होगा इस बच्चे का स्कूल का ठीक है ना क्योंकि स्कूल बॉय बोला है तो हम यहाँ पर स्कूल की बात कर रहे हैं सो हेयर वी कैन से दैट बाबा मीन्स अ स्कूल सो ही सेज कि ना तो मैं बुक पढ़ते हुए खुश हूं ना ही मैं इस स्कूल में बैठा हुआ हूं तो मैं खुश हूं वोन थ्रू विद द विद्रियरी शार और मैं परेशान हो गया हूं बहुत बुरा फील कर रहा हूं विद दिस ड्रियरी यानी कि की ग्लूमी शार यानी कि जो पढ़ाई का शार हो रहा है मेरे ऊपर जो टीचर पढ़ा रही है उनके वर्ड उनके लेक्चर्स ये सारी चीजें मेरे लिए चीयरलेस है ग्लूमी है बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है सो ही सेम लुकिंग लाइक आई जस्ट सिट इन अ वेयर आई एम लुकिंग लाइक इंटरेस्टेड आई एम नॉट At all happy, I spend a lot of hours being anxious, and also I cannot take happiness or I cannot be happy when I'm reading a book, nor I feel good when I'm sitting in the school.

How can a child when fears annoy, but droop his tender wing and forget his youthful spring? अब यहाँ कंपेरिजन हो रहे हैं कि ये जो बच्चा है वो अपने आप को किससे कंपेयर करा है एक बर्ड से जो कि पिंजरे में बंद है जो केज में है

बोल सकते हो कि बर्ड्स बनी तो हैं गाना गाने के लिए खुशियां फैलाने के लिए खुश रहने के लिए बट उसी बर्ड को अगर आप केज में बंद कर दोगे तो फिर वो वहाँ गाना कैसे गाएगी हाउ कैन अ चाइल्ड वैन फियो सिमिलरली कोई भी बच्चा वो खुश रहने के लिए एंजॉय करने के लिए पैदा हुआ है बट बिकॉज वो डरता है किससे उस स्ट्रिक्टस से उस इरिटेशन से जो कि उसके पेरेंट्स या फिर उसके टीचर्स को उसको फेस करना पड़ेगा उससे डर के मारे बट ड्रूप टेंडर विंग जो उसकी विंग्स हैं जो बिल्कुल डेलिकेट सी टेंडर सी जो विंग्स हैं वो ड्रूप करके यानी कि

पर स्प्रिंग सीजन से कंपेयर किए गए हैं जैसे बर्ड्स के लिए जो स्प्रिंग सीजन होता है बहुत ही प्यारा सा सीजन होता है जब बर्ड्स ब्यूटीफुली बाहर उड़ती हैं गाना गाती हैं उसी तरीके से जो हमारे स्कूल डेज होते हैं हमारे बचपन के दिन होते हैं वो क्या होते हैं एक स्प्रिंग सीजन की तरह ब्यूटिफुल यूथफुल डेज तो कैसे Forget and forget is useful, कि जब वो बनी ही इसलिए है कि वो स्प्रिंग सीजन में गाना गाए तो वो उसको भूल कैसे सकती है राइट तो वो चाहती क्या है कि वो बाहर आके गाना गाए बट उसको एक केज में बंद कर दिया जाता है वैसे ही जो बच्चे होते हैं वो अपने चाइल्ड हुड डेज को enjoy करने के लिए बने होते हैं बट उनको एक स्कूल या पढ़ाई इन सब के केज में बंद कर दिया जाता है एंड बिकॉज वो डरते हैं स्ट्रिक्ट से उस गुस्से से तो वो उसको फॉलो भी करते हैं डन ऑल रेट ओ फादर एंड मदर इफ बर्थ आर निब

को डिस्ट्रॉय इट एट एन अर्ली स्टेज ऑफ इट्स डेवलपमेंट तो जो बर्ड होता है जो कली होती है वो क्या होती है अर्ली स्टेज होती है बिल्कुल शुरुआती स्टेज होती है और वो धीरे धीरे डेवलप करके एक फूल में चेंज होती है ब्लॉसम होता है राइट तो वही चीज बोलिए कि अगर बर्ड्स यानी कि बिल्कुल जो अर्ली स्टेज होती है फूल की अगर उसको उसी वक्त डिस्ट्रॉय कर दिया जाए उसको खत्म कर दिया जाए उसको कुचल दिया जाए उस बीज को या कली को देन ब्लॉसम्स ब्लोन अवे तो उससे क्या होगा कि जो फूल है वो कभी नहीं उग पाएंगे राइट तो ब्लॉसम को क्या किया यानी कि जो ये खिलने का जो प्रोसेस है उसको हमने बंद कर दिया सिमिलरली जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं अपनी पूरी लाइफ के अर्ली स्टेज पे होते हैं और अगर हम उसी स्टेज पे उनको बंद कर दे केज में एक ही चीज कराते रहें कि चुपचाप पढ़ाई करते रहो कोई जरूरत नहीं एंजॉय करने की तो क्या होगा उस बच्चे के जो आगे के डेज होंगे यानी कि जो फ्लावर स्टेज होती है वो डेवलप नहीं होगी

तो इससे क्या होगा वो हम आगे जाके पढ़ेंगे बट यहाँ पर क्या कंपैरिजन हो रहा है कि वैसे ही जो छोटे बच्चे होते हैं यानी स्कूल गोइंग डेज होते हैं जो चाइल्डहुड डेज होते हैं बच्चों के उस वक्त वो क्या होते हैं बहुत टेंडर होते हैं बहुत ही नाजुक सी स्टेज पे होते हैं बहुत ही डेलीकेट स्टेज पे होते हैं और उस वक्त अगर उनको इस तरीके से पढ़ाई के जिन सब में बंद कर दिया जाता है तो इससे क्या होता है उनकी खुशियां क्या कर रहे हैं हम छीन रहे हैं वो भी कब स्प्रिंगिंग डे यानी उनके जो यूथफुल डेज हैं by sorrow and care is dismay how shall the summer arise in joy or the summer fruits appear to hum kya kar rahe hain wo sadness वो एक dismay, एक disheartened situation जो है एक distressed situation जो है उसमें बच्चों को

अपियर नहीं होंगे इसका मतलब कि जो छोटे बच्चे हैं अगर हम उनको यू you नो know, खुशी से खेलने कूदने नहीं देंगे उनको अपना टाइम इंजॉय करने नहीं देंगे तो उससे क्या होगा उनका जो समर सीजन है आगे की जो स्टेजेस हैं लाइफ की वो उसमें खुशी खुशी नहीं बढ़ पाएंगे एंड ऑल्सो हम पढ़ाते क्यों है बच्चों को ताकि आगे जाके एक रिजल्ट मिले फ्रूट मिले राइट right? वेदर वो आप पर्सनली बोलो या फिर वो आप कंट्री लेवल पे बोलो कि देश के लिए कुछ करेंगे तो इस तरीके से वो बच्चे को जो करना है आगे जाके वो, नहीं कर पाएगा, वो फ्रूट हमें मिलेंगे नहीं बिकॉज उसने पूरी लाइफ जो है वो सैड रह के पढ़ाई की बिकॉज उसको फोर्स किया गया नॉट बिकॉज ही वॉन्टेड टू क्लियर तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इसका मतलब ये नहीं है कि पोइट बोल रहे हैं बच्चों को स्कूल मत भेजो ठीक है खुश होने की जरूरत नहीं है इसका मतलब यह है कि हर एक चीज का एक बैलेंस होना चाहिए कुछ लोग क्या होते हैं ना बच्चों को सिर्फ फोर्स करते हैं स्कूल जाओ पढ़ाई करो वापस आओ फिर पढ़ाई करो चुपचाप सो जाओ इतने बजे खाना खाओ उठो फिर जाओ मतलब एक तरीके का रूटीन बना होता है तो वो क्या लगता है कि जैसे बच्चा जो है वो सेम एनवायरमेंट स्कूल में भी देख रहा है वही घर पर भी देख रहा है बट अगर जो हम रियालिटी में बोलते हैं एजुकेशन या फिर किस तरीके से बच्चों से डील करना है वो क्या तरीका है एक बैलेंस्ड वे में यानी उनको खेलने कूदने भी देना चाहिए उन्हें ने नेचर को इंजॉय करना देना चाहिए देन दे शुड बी अलाउड टू डू समथिंग दैट दे लव टू डू लाइक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं आजकल स्कूल्स में राइट एंड देन पढ़ाई भी उनके लिए इंपॉर्टेंट है बट वो भी एक Interesting में उनको कराई जानी चाहिए, Because अगर उसमें कोई चीज़ ही नहीं होगी तो बच्चे पढ़ेंगे क्यों, कि भाई कब कौन सा राजा आया कब क्या हुआ ताजमहल कैसे बना एवरीथिंग उनको क्या करना बट अगर उसे इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाएंगे तो डेफिनेटली दे टू क्लियर तो ओवरऑल यहाँ पे पोएरिजन यह करते हुए ये बताना चाहते हैं कि बच्चों को जो फोर्सफुल एजुकेशन दी जाती है एक स्ट्रिक्ट वे में एक बोरिंग से वे में पढ़ाया जाता है वो बिल्कुल भी काम का नहीं है बल्कि उनको एक इंटरेस्टिंग वे में एजुकेशन देनी चाहिए ऑल्सो उनके स्कूल डेज या जो यूथफुल डेज होते हैं उनको सिर्फ पढ़ाई करने में नहीं बल्कि उनको सारी एक्टिविटीज इंजॉय करने में खेलने कूदने में देन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज स्कूल्स में ये सब चीज़ें होनी चाहिए डांस सो आई होप आपको ये पूरी तरीके से मीनिंग क्लियर हो गया कि सारे स्टैंडर्ड्स में पोइट क्या कहना चाहते हैं ऑल्सो यहां पे जो टाइटल दिया हुआ था स्कूल बॉय इट्स वेरी वेरी अप्रोप्रिएट बिकॉज ये कम्पलीटली पूरी पोम है किसके बारे में एक स्कूल जाने वाले बच्चे के बारे में राइट अ स्कूल बॉय सो डेफिनेटली एज द टाइटल इज स्पीकिंग अबाउट द कम्पलीट थीम वी शुड से ओवरऑल कैरेक्टर वी शुड से इसीलिए इट्स अ वेरी अप्रोप्रिएट अ सिग्निफिकेंट टाइटल डन ऑल राइट